परिषद चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी भी जनता से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। हर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा कर रहा है। इतना ही नहीं, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर चुके हैं। छपरा जिले के नवगठित नगर पंचायत मसरख पश्चिमी के पूर्व मुखिया शैलेन्द्र किशोर सिंह ने बताया कि पहले हमारा पंचायत ग्राम पंचायत हुआ करता था। जनमानस की कई समस्याएं थी जिस पर मैंने बेहतर कार्य किया और 2011 में लोगों ने मुझे पंचायत के प्रथम नागरिक मुखिया के पद पर सुशोभित किया। इसके लिए पूरे पंचायत के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। प्रथम बार नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथियों के आह्वान पर इस बार अगर सामान्य सीट रहा तो निश्चित तौर पर चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ लूंगा। मसरख नगर पंचायत में कई ऐसी समस्याएं हैं चाहे जिनका समाधान नहीं हो सका है, जैसे स्टेशन रोड में जल जमाव की समस्या हो, पक्की नली गली की बात हो, ऐसे कई कार्य हैं जिसे बेहतर ढंग से करना है। मसरख नगर पंचायत के तमाम जनता जनार्दन नौजवान साथी और साथ ही अभिभावक तुल्य मतदाता मालिकों से निवेदन है, अगर मैं चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ा और आपका सहयोग मिला तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा। आज पहुंचे हुए हैं हम लोग छपरा जिला के मसरख नवगठित नगर पंचायत में और यहां पर लगातार एक शख्सियत है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो पूर्व में पंचायत के मुखिया के पद पर भी सेवा दिया है, शैलेन्द्र किशोर सिंह उर्फ मिस्त्री जी। 5 सालों तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने मुखिया जैसे गरिमामय पद पर रहकर सेवा दिया। बाद में फिर इनका पंचायत जो है वो सुरक्षित हो गया, जिसके कारण ये पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार प्रथम बार नगर पंचायत चुनाव मसरख में होने जा रहा है और यहां से शैलेन्द्र किशोर सिंह जी चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार का मुद्दा क्या रहेगा और वर्तमान 5 साल में यहां पर किस तरह का पंचायत में विकास का काम हुआ है। शैलेन्द्र जी, लगातार सामाजिक स्तर पर आप बने हुए हैं, लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, 5 साल यहाँ मुखिया के पद पर रहकर सेवा भी दिए हैं, फिर सुरक्षित सीट हुआ, आप चुनाव नहीं लड़ पाए, प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमको मिला उससे हम 5 साल पंचायत का सेवा किए जी जी, और हम उस स्थिति में चुनाव लड़े थे जिस स्थिति में आदमी अंतिम समय में रहता है, और जनता के आशीर्वाद से हम 5 साल रहे, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। हमारे साथ जो भी उस समय कोई विपक्ष हमको फंसाने का या किसी प्रकार से हमको बरगलाने का प्रयास किया, उसमें हमारे क्षेत्र का जनता चढ़ बढ़ कर हमारा सहयोग किया जी जी। जिससे हम 5 साल सुरक्षित रह करके उन लोगों का काम काज संभाले और हम साथ में अपना सारा कार्यभार अपने मोटरसाइकिल में ही लेकर चलते थे। हमारे पास हमेशा जो भी हमारे हाथ से होने वाला कार्य था वो साथ रहता था, पैड और मोहर हम साथ लेकर घूमते थे और किसी भी वक्त हम पंचायत में फ्री घूमते थे। हमारे साथ कोई ऐसा बात नहीं था कि किसी के डर भय से कहीं कुछ समय ना जाएं, ऐसा बात नहीं था, और किसी के भी दुख सुख में हर हमेशा तैयार रहने वाले व्यक्ति हम थे। लेकिन सीट आरक्षित हो जाने के कारण हम इस चीज से वंचित हुए जी जी, और 5 साल तक आम जनता से जुड़े भी हैं और आगे भी भविष्य में यह प्रयास है कि हमें मौका मिलेगा तो 5 साल फिर जनता का सेवा करेंगे। चूंकि सीमित संसाधन था आपके पास, 5 साल आपको समय मिला और उस सीमित संसाधन में ही जो आपने विकास का काम किया वो आज भी जनता के बीच मौजूद है। आज भी हम लोग देख रहे हैं PCC सड़कों का जो निर्माण। फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, यानी कि जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाएं, और इसके साथ ही तमाम खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आदर्श भारत TV को सब्सक्राइब करें।